भाई ऐसे पब्लिक प्लेस में ना ब्लॉक करने के लिए भाई जिगरा चाहिए जिगरा। टाइम हो रहा है शाम के 6 और ये मतलब पीछे का बैकग्राउंड देख के धूप धूप देख के ना आपको लग नहीं रहा कि भैया 6 बज रहे हैं अभी शाम के, समझ रहे हो, क्योंकि आजकल भाई यहाँ पे अंधेरा हो रहा है 9-9 बजे तक रात को। तो भाई आज सुबह तक का प्लान ये था कि भैया आज डाउनटाउन जाएंगे और आपको डाउनटाउन दिखाएंगे। गाड़ी आती है ना भाई इतना साउंड आता ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आज सुबह तक का प्लान ये था कि भैया आज जाएंगे डाउनटाउन दिन में लंच करने के बाद और आज आपको दिखाएंगे डाउनटाउन। एंड एक्चुअली मैं यहाँ ऊपर से भी दिखा सकता हूँ लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स और जो बिल्डिंग है ना, कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिनके भाई अंदर ही अंदर मतलब एक्सेस है, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसा है। और काफ़ी सारे मॉल्स भी हैं, मैं भी नहीं गया हूँ आज तक, तो मैं सोचा था मैं भी चला जाऊँ और आप लोग को भी दिखा दूँ। बट अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा लेट हो गया तो मॉल भाई 6 बजे के बाद ना यहाँ पे क्लोज हो जाते, तो अभी मैं जस्ट ये अंदर की साइड आया हूँ। और यहाँ पीछे से ना नीचे डाउनटाउन जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है और नीचे का व्यू भाई काफ़ी सही दिखता है ऊपर से, तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखो गाइज, ये कोठी देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बंगलो। यहाँ पे गुड़िया देखो सफाई कर रही थी। हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ओह नाइस। तो भाई लोकेशन इतनी अच्छी है ना ये, मैं सोच रहा हूँ एक का रील बनाई जाए इधर ही मतलब, और उसके बाद दिखाते हैं आपको डाउनटाउन। गाइस ये देखो, ये लग रहा भाई किसी मतलब मिनिस्टर वगैरह का घर है ये। इसमें कनाडा का भी झंडा लगा हुआ ऊपर, तो इसको ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। अभी बिल्कुल डाउनटाउन के ऊपर हैं हम बैक साइड में, और यहाँ से दिखाता हूँ आपको नीचे भाई डाउनटाउन। अभी सुगा जी देख सकते हो नीचे ये है डाउनटाउन, एंड ये जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना भाई सारी ये डाउनटाउन के अंदर है। ये कैलगरी टावर है रेड वाला, ये है कैलगरी टावर, यहाँ से होता है फर्स्ट स्ट्रीट चालू। तो अभी नीचे चलते हैं फिर यहाँ से, ये शॉर्टकट है यहाँ से नीचे जाने का डाउनटाउन। और अभी नीचे सीधा वहाँ पे चलेंगे जो कैलगरी टावर ना, सीधा उधर चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाऊंगा नीचे से कैलगरी टावर पे। तो गाइस अभी मैं नीचे आ चुका हूँ डाउनटाउन में, डाउनटाउन नहीं है प्रॉपर मतलब डाउनटाउन के बैक साइड का एरिया है। तो डाउनटाउन जो स्टार्ट होता है ना, वो मेन जो डाउनटाउन है वो है 5 एवेन्यू और 17 एवेन्यू के बीच का जो एरिया ना मेन, वो आता है डाउनटाउन के अंदर, जहाँ पे बिल्डिंग्स और मॉल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। और जो मैंने आपको कैलगरी टावर जो ऊपर से दिखाया था वो आता है फर्स्ट स्ट्रीट पे, और मैं हूँ अभी 8 स्ट्रीट पे। तो भाई फाइनली अब यहाँ से बोल सकते हो कि भैया डाउनटाउन स्टार्ट हो गया है, और ये है 17 एवेन्यू। तो डाउनटाउन का जो सबसे बिजी एरिया ना वो 17 एवेन्यू है। इस पर सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट, क्लब, कॉफ़ी शॉप सबसे ज़्यादा आपको ना इसी लाइन में मिलेंगे। तो आपको इतनी दूर से समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे पब्लिक तो दिख रही होगी भाई आपको, ये देखो सामने। इसने पकड़ लिया ना भाई, मारेंगे बहुत, बोलेंगे भाई वीडियो बना रहा है क्या। ये देखो भाई पब्लिक देखो भाई, इधर पब्लिक, ओ माय गॉड, फुल क्राउड है भाई फुल। तो गाइज ये ना पूरा 17 एवेन्यू है भाई, और मेरा जो रेस्टोरेंट है ना इसी लाइन में आगे की तरफ है। तो भाई ऐसे पब्लिक प्लेस में ना ब्लॉक करने के लिए भाई जिगरा चाहिए जिगरा। और सबसे सही चीज़ यहाँ पे ये ना भाई, कोई भी माइंड नहीं करता, मतलब किसी को ना किससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो मर्जी करना है करो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, पब्लिक देखो पीछे बैठ लेंगे, फुल बने रहेंगे गाइस सारे रेस्टोरेंट, अगर कोई देखेगा बिना कोई कुछ बोलने वाला नहीं है वैसे भी, तो आप टेंशन फ्री रहो मतलब। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं 2nd स्ट्रीट पे, और अब यहाँ तक आ गए तो सीधा आगे चलते हैं भाई 1st स्ट्रीट पे चलते हैं, और उसके बाद वहाँ से लेफ्ट लेंगे, क्योंकि जो कैलगरी टावर है ना लेफ्ट साइड में ही है, 9 या 10 एवेन्यू पे ऐसा कुछ है वो। तो भाई फाइनली अपने को कैलगरी टावर दिख गया भाई, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो बैक साइड में, ये देखो गाइज कनाडा की सी ट्रेन। सो ये देखो गाइज हम बिल्कुल कैलगरी टावर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। सो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई कैलगरी टावर के बिल्कुल नीचे एकदम जस्ट, और ये पता है ये है 9th एवेन्यू पे। ये देखो गाइज ये है कैलगरी टावर,
सो गाइस ये तो था कैलगरी टावर एंड भाई इसके अंदर अभी जा नहीं सकते एक्चुअली, टाइमिंग का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन इसके अंदर जाने का ना टिकट लगता है और ऊपर से क्या मेरी फ़ोन की जो बैटरी है ना वो बिल्कुल 1% पे आ चुकी है, तो अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं शूट तो कर नहीं पाऊंगा कुछ। और ये है सेंटर स्ट्रीट, तो अभी क्या करते हैं ना यहीं से निकलते हैं भाई, और यहाँ पे एंट्री बंद है मतलब इधर गाड़ी जा नहीं सकती है, खाली मतलब पब्लिक के लिए बस ये वाला एरिया पूरा। क्या है भाई ये? सो एक्चुअली कनाडा में ना भाई समर टाइम में इंजॉय कर सकते हो आप, विंटर में तो भाई फिर मुश्किल है क्योंकि सारी स्नो पड़ी रहती है एंड समर का जलवा देखो भाई आप इधर, इसको बोलते हैं भाई इंजॉयमेंट। से एंट्री बंद है गाड़ियों की, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो यार इधर क्राउड मतलब क्या है, फुल भरा हुआ कैफे एकदम फुल। तो अभी हम 17 एवेन्यू की तरफ जा रहे हैं। तो देखो भाई लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि कनाडा आए और डाउनटाउन नहीं देखा तो फिर क्या देखा, समझ गए ना। तो बाकी फ़ोन में बैटरी की कमी होने के कारण आज का ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त, तो और आगे आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।